फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझने वाले हैं कि वीपीएन का लीगल या फिर इलीगल यूज क्या होता है और वीपीएन के हमको कौन सी सर्विस यूज करनी चाहिए, फ्री सर्विस या फिर पेड सर्विस। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में है। पहले पार्ट में मैंने समझाया कि वीपीएन काम कैसे करता है और वीपीएन का क्या यूज है और वीपीएन के यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और इस दूसरे पार्ट में समझेंगे कि वीपीएन का लीगल या फिर इलीगल यूज क्या कहलाता है और हमको वीपीएन की कौन सी सर्विस यूज करनी चाहिए। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उस पार्ट को देख लीजिए। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन पर दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये वाला वीडियो जो है बहुत ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वीपीएन का लीगल या फिर इलीगल यूज क्या कहलाता है। तो मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आप इनमें से किसी कंट्री में चले गए जहाँ पे गूगल की सर्विसेज को बैन किया हुआ है। तो इसमें से जो मेन जो कंट्रीज हैं वो हैं ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। तो वहाँ पे गूगल की सर्विस बैन है और वहाँ की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे जो ISP है उसने गूगल की सर्विस को बैन किया हुआ है, क्योंकि इन कंट्रीज का ये मानना है कि गूगल जो है ये एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक स्पाई टूल है और इसकी वजह से हमारी जो कंट्री की जो प्राइवेसी है वो लीक हो रही है या फिर डाटा जो है वो लीक हो रहा है, इसलिए इन कंट्रीज ने गूगल की सर्विस को बैन किया हुआ है। तो गूगल की हमारी कौन सी सर्विस है, जैसे कि जीमेल है या फिर गूगल मैप है। तो जीमेल आप जानते ही हैं कि एक प्रीमियम ईमेल सर्विस है और आप भी इसको यूज करते होंगे और मैं भी यूज करता हूँ। तो आप अगर उसको नॉर्मली ब्राउजर पे अगर इनमें से आप किसी कंट्री में उसको ओपन करना चाहते हैं जहाँ पे गूगल की सर्विस बैन है तो वो ओपन नहीं होगा। तो उस केस में अब आप क्या करेंगे, आपको मेल अगर चेक करनी है तो तब आप क्या कीजिए, आप वीपीएन की सर्विस लेकर के अपनी मेल को चेक कर सकते हैं। तो ये जो यूज है ये लीगल कहलाता है, क्योंकि ये मेल आईडी जो है वो आपकी है और इसके आप ऑनर हैं, तो इसलिए ये लीगल यूज में काउंट होता है। तो आइए बात करते हैं इलीगल यूज की। तो आप जैसे इंडिया में रहते हैं, मैं भी इंडिया में रहता हूँ और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे पॉर्न वेबसाइट या फिर जो टोरेंट वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक है, आप उनको नॉर्मली ब्राउजर पे ओपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वीपीएन सर्विस का यूज करके उन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो ये इलीगल यूज कहलाता है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि हमने ब्लॉक वेबसाइट्स यहाँ भी ओपन कर ली और हम मान लीजिए चाइना या फिर दूसरी कंट्रीज में भी ओपन कर रहे हैं जहाँ पे गूगल की सर्विस बैन है, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? तो इसमें डिफरेंस यही हुआ कि वो जो आप ओपन कर रहे हैं ईमेल अकाउंट अपना, उसके ऑनर आप खुद हैं। और अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं तो क्योंकि टोरेंट वेबसाइट्स में आपको जैसे कि पता ही होगा, तो टोरेंट वेबसाइट्स पे क्या होता है कि मूवीज की पायरेसी होती है या फिर सॉफ्टवेयर की पायरेसी अपलोडेड होती है, तो उसके ऑनर तो आप है नहीं, तो इसलिए अगर आप उसको एक्सेस करते हैं तो वो इलीगल कहलाता है। और बाकी अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जैसे कि पॉर्न वेबसाइट्स की, तो वो तो आपको पता ही है कि इंडिया में वो बैन क्यों है, क्योंकि हमारा कुछ कल्चर ही ऐसा है। तो मतलब कि ये डिफरेंस है लीगल या फिर इलीगल यूज में। तो आइए आप समझते हैं कि आपको वीपीएन की कौन सी सर्विस यूज करनी चाहिए, पेड सर्विस या फिर फ्री सर्विस। तो आइए पहले फ्री सर्विस की बात करते हैं। तो फ्री सर्विस जैसे कि बहुत से सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो आपको वीपीएन की फ्री सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, या फिर ब्राउजर के प्लगइन्स होते हैं जो आपको फ्री में सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री में आपको सर्विस दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये भी आपके कंप्यूटर का डाटा जो है वो चोरी कर लेते हैं। ये इसीलिए फ्री सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आपके कंप्यूटर का वो डाटा चोरी कर सके, और इसमें आप कोई शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कह देंगे ट्रायल वर्जन है या वो फ्री वर्जन है, तो उसमें किसी की लायबिलिटी बनती नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको हमेशा पेड सर्विस यूज करनी चाहिए। तो अगर आप वीपीएन की पेड सर्विस यूज करते हैं तो उसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी उसमें डाउनलोडिंग की, अपलोडिंग की, और दूसरा आप कई लोकेशन से अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और तीसरा क्या है कि कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी में क्या होता है कि आप कंपनी को शिकायत भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं लगता है ऐसा कि आपके कंप्यूटर का डाटा लीक हो गया है या फिर आपका कंप्यूटर हैक हो गया है, तो उस केस में आप जो है कंपनी से शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री सर्विस यूज कर रहे हैं तो आप कहाँ शिकायत करेंगे, उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। तो इसलिए आप पेड सर्विस यूज कीजिए और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और अगर आपको फ्री सर्विस यूज ही करनी है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप ओपेरा ब्राउजर अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मोबाइल और कंप्यूटर दोनों ही डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। तो ये जो ओपेरा ब्राउजर है इसमें आपको वीपीएन इनबिल्ट मिल जाएगा।
आप सेटिंग्स में जाके वीपीएन सर्विस को इनेबल कर सकते हैं, और लेकिन आप इसका ज्यादा यूज मत कीजिएगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ओपेरा से वीपीएन यूज कर रहे हैं तो उस केस में भी आपका डाटा सेफ रहे। तो कुल मिलाकर ये है कि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप समझना चाहते हैं कि वीपीएन काम कैसे करता है, या अलग अलग लोकेशन से कैसे कनेक्ट करेंगे, या वीपीएन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो उसके लिए आप ओपेरा ब्राउजर कर सकते हैं। वो अगर हम कंपेयर करें दूसरे सॉफ्टवेयर से तो ये फिलहाल ये ज्यादा सेफ है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही चीजें समझ में आ गई होंगी कि वीपीएन का लीगल या फिर इलीगल यूज क्या है, या फिर वीपीएन की इनको कौन सी सर्विस यूज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।